तरह बाहर क्यों बैठे? अंदर दम घुटने लगा, इसलिए खुली हवा में आकर बैठ गई। आज अचानक ऐसा लगने लगा कि मैं इस घर में पराई बन गई। क्यों क्यों कर रही हो ऐसे? क्यों कर रही हो? तो और अब क्या करते हो? तुमने देखा ना सुनीति ने हमारे साथ क्या किया? पिछले 8 महीने से हमें अंधेरे में रखा। मैं सुनीति को कभी माफ नहीं करता, ना सुनीति को और ना ही काजल। गुनाह करने वाला जितना कुछ का पता था, लेकिन उसने भनक तक नहीं बदली मुझे। दोनों ही मिलकर उसे पराया बना दिया। लेकिन आप नहीं कहना चाह सकते कि पागल को सारी बातें मालूम। उस दिन जब मैं मंदिर से लौट रही थी, तब मैंने खुद काजल और सुनीति को एक साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए देखा। तभी तो उस हादसे के बाद तुरंत पुलिस आ गई। दोनों ने मिलकर खूब धोखा दिया है मुझे। लेकिन काजल के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। उसने कितना कुछ किया है मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे की पहचान बनाई है उसे। इतने एहसान है उसके मुझ पर कि मैं तो चुप ही रहूंगी। उस एहसान की कीमत किस तरह चुकानी पड़ रही है देख रही हूं तो। काजल, जब पूरे समय तुम्हें ये बात पता थी, तो फिर तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि तुम घर वालों को सबसे पहले इस मामले में बताओ। नीरज, अगर मैं इस बारे में बता देती तो शायद इतना बड़ा हंगामा होता ही नहीं। काजल, ये बात इतनी बढ़ती नहीं। तुम पूरे समय छिप छिप कर एक तो सुनीति की मदद करती थी, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन तक उसके साथ हुआ, उसके बावजूद तुमने घर वालों को बताना ठीक नहीं समझा, क्यों काजल? देखो, जो इज्जत तुमने इस घर में पाई, जो इज्जत तुमने मुझे यहाँ पे दिलाई है, मैं नहीं चाहता कि हम लोग उसको खोएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि मुझसे कभी कोई बात छिपाना नहीं। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारा है, मैं बहुत विश्वास करता हूँ तुम्हारे ऊपर, उस विश्वास को तोड़ना मत प्लीज। नीरज, मैंने किसी का विश्वास नहीं, मैंने सिर्फ सुनीति की मदद की। उसने जो कुछ मुझे बताया मुझ पर भरोसा करके बताया, मैं उसका भरोसा कैसे तोड़ सकती थी? अब तुम अपने आप को इस मामले से अलग रखो प्लीज। देखो, मैं भी उस बच्चे को उतना ही प्यार करता हूँ जितना सुधीर सुनीति करते हैं, लेकिन तुम अपने आप को ध्यान से करते हो। काफी सर। थैंक यू, लेकिन अभी मूड नहीं कर रहा बिल्कुल। सर, ये देखिए आज का पेपर, एक कार्टूनिस्ट ने कितना अच्छा कमेंट मारा है, ये देखिए। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, अगर आप मुझे सिर्फ अपनी सेक्रेटरी समझते हैं तो मत बताइए, मैं सिर्फ एक दोस्त के नाते पूछ रही थी और कुछ नहीं। नो प्रॉब्लम सर, कोई बताने की जरूरत नहीं है आपको। वो बात नहीं है रिचा। तो फिर क्या बात है सर? सब बातें करने से, शेयर करने से प्रॉब्लम्स कम हो जाती है, टेंशन कम हो जाती है। जो इंसान दिन भर हंसता खेलता रहता हो, उसे इस तरह देखकर मुझे दुख होता है। आपकी एक हंसी पूरे ऑफिस में जान डाल देती है सर। एक दोस्त होने के नाते बता दीजिए। एक्चुअली मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि
कि ये बात आपके दोस्त के दिल से बाहर नहीं जाए। ट्रस्ट मी। ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं। पहले हम दोस्त थे, अब हम बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। रिचा, मुझे समझ में नहीं आता है कि काजल को ये करने की क्या जरूरत थी। पिछले प्रपोजल को देख के कम से कम इतना तो होगा ही कि नया प्रपोजल बनाने के लिए तो मिलेगा। सर, काम की बातें कल करेंगे, अभी आप घर जाइए। छोड़ देता हूँ, घर तो सर मुझे कहीं और जाना है, मैं चली जाऊंगी। ट्राई एंड स्टे कूल, गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं चलूं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। यस सर। मुझे एक बात कहनी है। सुनीति का कुछ पता चला? हाँ, वो अपने माँ के घर गई है। पूना, आपने पूछा नहीं क्यों गई है? वो मुझसे बात ही कहाँ कर रही है, कहा कि मुझसे बात नहीं करना चाहती, शायद नाराज हो गई। डैड, इस बारे में मैंने उसे कुछ नहीं कहा। यही तो प्रॉब्लम है ना सुदीप भैया, कि आपने कुछ नहीं कहा। कभी कभी लोग चुप्पी से भी अपने जवाब निकाल लेते हैं। उसे उसका जवाब मिल गया। जिस औरत ने आपको पाने के लिए ये सब किया, आपने उसके लिए क्या किया? चुप रहे आप तो और क्या करता? सपोर्ट करते हैं उसे, और कर भी क्या सकते। सुधीर बेटे, शायद काजल ठीक कह रही है, फिर भी सुनीति तुम्हारी है, ये जिंदगी तुम्हारी है। तुम्हारा जो फैसला होगा, हम सब तुम्हारे साथ जरूर हैं। सुनीति, पूना अपने घर चली गई। काजल ऐसी हैं, वैसी हैं, उन्हें ये पसंद है, वो पसंद है, सब कुछ बोलते रहते हैं। आपके बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं। How sweet, he's really sweet, he's a very nice man. Actually, मुझे कुछ papers sign करने थे। क्यों, नीरज आज ऑफिस नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल 10 बजे मुझे ये पेपर सबमिट करने हैं, और
कल मैं साइन करवा दूंगी। मुझे दे दीजिए, मैं साइन करवा देती हूँ। जी मम्मी, ये रिचा है नीरज की सेक्रेटरी, ये नीरज की मम्मी है। नीरज से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे, मैं करवा लेती हूँ। लाओ मुझे दो, मैं करवाती हूँ। किचन में दूध उबल रहा है, तुम अंदर जाओ। आपको भी हेड ऑफिस में काम है? नहीं, मुझे भी शॉपिंग करनी है। लेकिन सर, जहां मैं जा रही हूँ वहां सिर्फ लेडीज वेयर मिलता है। तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चल रही हो। आप योर बॉस एंड दैट्स माय ऑर्डर, ठीक है? और कुछ कहना है तुम्हें? यस सर। कहो। द बॉस इज ऑलवेज राइट सर। एग्जैक्टली। चले चलिए सर। बिल्कुल। ओके बाय। आज कल क्यों कभी घर पे आना? जरूर। अच्छा लग रहा है ना?
बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। और कुछ खरीदना तुम्हें क्या? नहीं बस। तो चलो फिर। आपको कुछ नहीं लेना? मेरे लायक तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, काजल ऐसे कपड़े पहनते नहीं, तो मैं क्या करूँ? पता चला? नहीं मम्मी, कुछ पता नहीं चला, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया? मैंने इनसे भी पूछा तो कहने लगे कि ऑफिस छोड़कर बहुत देर हो गई। अजीब लड़का है, फोन करके कम से कम बताना तो चाहिए था ना। मैं ईशान को पूछती हूँ। नहीं, मैं उनसे पूछ चुकी हूँ, उन्होंने कहा हर रोज की तरह शाम को ऋचा के साथ ऑफिस से निकले थे। तो तुम ऋचा को फोन करके पूछो ना, उसका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? ड्राइवर को भी जल्दी छुट्टी दे दी, खुद गाड़ी चला रहे हैं इस मौसम में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मम्मी, वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है पानी घुस गया कार्बोरेटर के अंदर। मैकेनिक ठीक कर पाएगा, मुझसे तो होगी नहीं ठीक है। सही थी, रात को तो कहीं मैकेनिक नहीं मिलेगा। एक काम करें, गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं, 10 बजे के करीब कहेंगे वो करवा लेंगे। 11 बज गए रिचा, आप घर वाले इतनी चिंता कर रहे होंगे। सर एक बात कहूँ, मानेंगे? बोलो। सर मेरा घर पास में ही है, आज रात को आप मेरे घर पहुँच जाइए। सर बरसात हो रही है, आप इस बरसात में कैसे घर पहुँचेंगे? सर आप फोन लगा रहे हैं, उन्हें बता दीजिए कि आप मेरे घर जा रहे हैं। रिचा तुम्हारे घर पे नहीं रुक सकता हूँ। क्यों नहीं रुक सकते सर, आपकी मजबूरी है, बरसात हो रही है, फिर बीमार पड़ गए तो बेकार में आप। प्लीज सर, क्या करूंगा, काजल का क्या करूंगा बताओ, उसने बेचारी ने खाना भी नहीं खाया होगा अभी तक। हेलो 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 नीरज, तुम कहाँ हो, कैसे हो, ठीक तो हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे बोलने का मौका दोगी तो बोलूंगा ना, मैं यहाँ बारिश में फंसा हुआ हूँ, कार खराब हो गई है मेरी। कहाँ हो तुम? यहाँ ये पता नहीं कहीं माहिम बांद्रा के बीच में कहीं पे हूँ। ठीक है, मैं अभी ईशान को भेजती हूँ। नहीं 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 सुनो, उसको भेजने की जरूरत नहीं है, वो नहीं पहुँच पाएगा मुझ तक, यहाँ पे पानी भरा हुआ सब जगह पे। तुम कैसे वापस आओगे नीरज? वही बता रहा हूँ, मैं ये ऋचा के घर पे रुक जाऊंगा बांद्रा में, ठीक है, सुबह आ जाऊंगा मैं।